नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिट एंड दिस इज द ऑन गोइंग सीरीज ऑन कॉमन एरर्स पर्टिकुलरली इन वोकैबुलरी एंड टुडे वी हैव टेकन टू वर्ड्स एक्रोनिम्स एंड एपोस्ट्रॉफीज। इट इज़ नॉट सिंपली टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द टू। एक्चुअली वॉट आर एक्रोनिम्स एंड वेयर एपोस्ट्रॉफी एस इज अप्लाइड और वेयर सिंपली एस इज एडेड टू दोज एक्रोनिम्स। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो and before we go, please subscribe to the channel and like this video, share it among your friends so that everyone is benefited. First of all, let us understand what acronym is all about. Primarily or commonly, acronyms are all sorts of abbreviations. All abbreviations are nowadays called acronyms. And if we talk about original meaning of acronym, so the abbreviations which are used as words, just like NOIDA, SITKUL, NATO, NOTA, UNESCO. So these abbreviations are used or spoken as words. And apostrophe S was primarily used for these words. So aapko do cheeze commonly milengi. Sometimes you can find apostrophe S to these acronyms or abbreviations or short forms. Or other times you can find simply S, attached to S. अब क्या इनके मीनिंग हो सकते हैं? एक्चुअली जब किसी एक्रोनिम के बाद में apostrophe S है और उसके बाद में कोई और नाउन है तो उस कंडीशन में इट बिकम्स पजेसिव। देयर apostrophe S इज जस्टिफाइड इन ऑर्डर टू मेक इट एज पजेसिव, जस्ट लाइक NATO's रोल इन द वर्ल्ड अफेयर्स और NOTA's रोल इन the democracy. So NOTA, apostrophe S, and then role is followed by this apostrophe S. In that situation, this acronym followed by apostrophe S becomes possessive. Lekin yahan pe problem rukti nahi, kai baar aapne sirf plural banane ke liye acronyms ke baad mein S aur apostrophe S dono hi dekhe honge, जस्ट लाइक सी डी का प्लूरल बनाएंगे तो सिंपली सी डीज। और कई बार आपने देखा होगा CD apostrophe S. अगर apostrophe S के बाद में कोई नाउन अगर फॉलो नहीं करता है तो समझ लीजिए ये apostrophe S सिर्फ प्लूरल बनाने के लिए यूज किया हुआ है। इफ अ नाउन फॉलोज देन इट बिकम्स पजेसिव। तो दो चीजों के केयरफुल रहना है। समटाइम्स सम डिजिट्स आर फॉलोड बाय S. Just like 1950s, it refers to the decade of 1950s. जो 1950 वाला दशक है उसकी बात हम कर रहे होते हैं तो एक मीनिंग इसका ये भी होता है, इन ऑर्डर टू रिफर टू द ड्यूरेशन अबाउट द टाइम वी आर रिफरिंग। लेकिन यहाँ पे बात आती है शॉर्ट फॉर्म्स की या एक्रोनिम्स की और एक्रोनिम्स के बाद होने वाले एस की। तो दोनों ही अगर प्लूरल के लिए यूज होते हैं तो दोनों ही apostrophe S और एक्रोनिम एंड देन एस एडेड टू इट डायरेक्टली दे कैन रिफर टू प्लूरल, जस्ट लाइक CDs. देर आर मैनी CDs इन द बॉक्स, देर इज वन CD इन द बॉक्स, देर आर मैनी CDs विदाउट apostrophe इन द बॉक्स। सो ये भी करेक्ट है। और यू कैन लर्न द ABCs ऑफ एवरीथिंग। ABC apostrophe S, इट रिफर्स टू टू थिंग्स। ABC रिफर्स टू बेसिक्स, तो यू कैन रिफर टू द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग और द थिंग रिफर्ड, और ABCs कैन रिफर टू द बिगनिंग स्टेज, और सिंपली इट कैन रिफर टू अल्फाबेट। आई हैव लर्न द ABCs। तो वो तीन तरह से आपके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस एंड नाउ यू कैन यूज देम क्लियरली और यू कैन आइडेंटिफाई देयर यूज क्लियरली। थैंक यू। And if this video has been able to successfully clear your doubts, so like it, share it among your friends and subscribe to the channel. Thank you so much.